जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो एसएससी जीडी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी 2021 की, उन सभी के लिए। दोस्तों आप सभी को पता है अभी एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन की डेट थी वो 1 मई 2 मई 3 मई, यानी कि मई का फर्स्ट वीक था। तो अब आपको बहुत सारे ऐसे YouTube पे वीडियो मिलेंगे जिसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन दिखा रखे हैं या कि इन्होंने साइड से सर्वर भी दिखा रखा है कि यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे, इस प्रकार से आप घर बैठे अप्लाई कर पाओगे या ऑनलाइन आप एप्लीकेशन चालू हो गए। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज भी किया, तो इसके रिगार्डिंग मैं बताऊँगा कि कब से आपके ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे और क्या जो ये वीडियो आप देख रहे हो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तरीका देख रहे हो जिसमें कि आपको इस प्रकार से साइड पर जाना है, यहाँ से इस साइड पर जाना है, यहाँ से फिर आप ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर पाओगे, इस प्रकार के बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे जो डेडिकेटेड वीडियो पूरे साइट से लेके साइट से बनाए गए हैं ऑफिशियली कि यहाँ से आप जाके ऐसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इस प्रकार से पंजीयन कर सकते हैं। और 6 मई किसी ने डेट लगा रखी है, किसी ने 7 मई लगा रखी है, किसी ने 3 मई लगा रखी है, तो उनमें कितनी सच्चाई है। एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास में क्वेश्चन या इंक्वायरी आती है वो एसएससी जीडी के तैयारी करने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रहती है कि सर तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए या कौन सा कोर्स परचेज करें या नहीं करें। दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में आप एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप बड़े नाम को नहीं देखें, किसी भी चाहे एकेडमी हो चाहे कोई चैनल हो या कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो उसको ना देखें, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े लेवल की ही तैयारी ज़्यादा होती है। जिस लेवल की एसएससी जीडी की तैयारी होती है तो आप वहीं पर तैयारी करें एसएससी जीडी की, जहाँ पर एसएससी जीडी की तैयारी होती है स्पेशली। और आप जैसे ही नोटिफिकेशन आती है उससे पहले पहले जैसे और भी सब जगह आप कोर्स हो रहे हैं उसका यूट्यूब पे भी आप वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको देख लीजिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है। एसएससी जीडी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोर्स चल रहा है उसी हिसाब से परचेज करें। साथ ही मेरे से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अपनी क्लासें कब से शुरू होगी, तो दोस्तों मैं बता दूँ लॉकडाउन की वजह से, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से स्टूडियो सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को भी जल्दी आप सभी को पढ़ाने की और बहुत जल्दी से सभी क्लासेस शुरू करने की। साथ ही अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आने वाला है जिस पर अभी तक आपने अगर कोर्स परचेज नहीं किया एसएससी जीडी आरपीएफ कॉन्स्टेबल या आर्मी का तो अब करना भी नहीं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ निम्न दरों में यानी नॉर्मल यूट्यूब पे या कहीं पे भी ऐसा कोई एप्लीकेशन होगा नहीं होगा जिसपे आप सिर्फ मैं आपको एक बुक के पैसे में पूरा का पूरा एसएससी जीडी का कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी बिल्कुल शानदार, ठीक है। चाहे एसएससी जीडी का हो चाहे आर्मी का हो, उन सभी का कोर्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, किसमें, एक बुक के पेमेंट में। तो अब बात करते हैं, तो अभी तक अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया तो ना ही करें, अभी 2-4 दिन में आपको सामने क्लासें भी आ जाएगी एसएससी जीडी आर्मी सभी की, तब आप खुद चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट। साथ ही हमारे जो ऐप आएगा उस पर डेली जो बच्चे कोर्स परचेज करेंगे उनकी फिक्स लिमिटेड सीटें रखी जाएगी और लिमिटेड सीटों में ही कोर्स लाइव क्लास टीचर लेंगे एप्लीकेशन पर भी। तो अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया तो बड़े ऐप की तरफ ना जाए, क्योंकि वहाँ पर नाम बड़े बड़े होते हैं, बाद में वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। अब बात करें एप्लीकेशन फॉर्म के कि जो तरीके बता रहे हैं दोस्तों, पहले तो वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल फेक वेबसाइट उसे बता रहे हैं, उन पर आप डिपेंड ना रहें कि इस प्रकार से फॉर्म अप्लाई होगा या इस प्रकार से होगा, बिल्कुल झूठे वीडियो है, उन पर आप विश्वास ना दिखाएं, ठीक है। वो इसी प्रकार से झूठ वीडियो बनाते रहते हैं अपनी वेबसाइट खुद की वेबसाइट पर, इस प्रकार से नाम लिख देते हैं ssc.nic/ करके, फिर अपना नाम डाल देते हैं, फिर वहाँ से फॉर्म में अप्लाई का डाल देते हैं और फिर आपको बताते हैं इस प्रकार से आपको पंजीयन करना है घर बैठे, या 6 मई को पंजीयन करना है या 3 मई को पंजीयन करना है, 4 मई को पंजीयन करना है। तो दोस्तों मैं बता दूँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है और मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि नोटिफिकेशन हो सकता है कि डिले भी हो, लेकिन आपको उसको लेके चिंतित नहीं होना है। और अगर डिले नहीं भी होती नोटिफिकेशन तो भी फॉर्म में अप्लाई करना अभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए फॉर्म भी आपके जून महीने में भरे जाएंगे, मई में बहुत ही कम चांस हो गए फॉर्म में अप्लाई करने के, क्योंकि हर एक स्टेट में तो लॉकडाउन जैसी स्थिति है, तो कोई 6 मई दे चाहे 4 मई दे चाहे 3 मई दे, वो सभी झूठी डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर हो सकता है कि पिछली बार की तरह जैसे नोटिस आया थोड़ा सा लेट आए, तो इस बार नोटिस ना आए और नोटिफिकेशन ही आने देखने को मिल जाए। सभी इंतजार कर रहे हैं कि मई के फर्स्ट वीक दे रखिए, अगर नोटिफिकेशन भी आती है तो भी आपके फॉर्म मई में भर पाना बहुत ही मतलब 90% है कि पॉसिबल नहीं है, आपके फॉर्म मई के महीने में नहीं भरे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके फॉर्म जून के महीने में भरे जाएंगे, तो जिन बच्चों की एज काउंटिंग जून तक हो जाती है 18 साल की वो हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है कि सर हमारे तो ओवर एज हो जाएंगे, तो दोस्तों आपको 100% मौका मिलेगा, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 101% मौका मिलेगा एसएससी जीडी में पार्टिसिपेट करने के लिए। सीटों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि सर कितनी सीट की या कितने पदों की वैकेंसी है, तो दोस्तों मैं बता दूँ ये लगभग आप मान के चलिए
में मेरे शुरू से जितने भी वीडियो आप देख लीजिए उनमें मैंने एक आंकड़ा बताया कि 60,000 पलों की वैकेंसी आएगी। उसका एक रीज़न भी, रीज़न क्या है कि इससे पहले SSC GD 2010-11 से लगाकर आज तक SSC GD की जितनी भी वैकेंसी आई है उन वैकेंसी में हर बार पिछली वैकेंसी से बड़ी पदों की वैकेंसी आई है और आएगी, क्योंकि जैसे जैसे देश की संख्या बढ़ रही है फोर्स के अलॉटमेंट भी बढ़ रहे हैं। पहले CRPF की 10 बटालियन थी, 20 थी, आज 300 बटालियन है और आने वाले समय में 600-700 बटालियन भी होगी, क्योंकि जैसे जैसे देश बढ़ता जा रहा है फोर्स डिफेंस सब चीज़ें उसके हिसाब से ही एक पायदान सेट किया जाता है, उतनी ही चाहिए, तो वो आंकड़ा निरंतर बढ़ता जाता है। आज ITBP में 10 बटालियन की डिमांड है, CRPF में 20 बटालियन की डिमांड है, CISF में 10 बटालियन की डिमांड है, तो वो डिमांड पूरी नहीं होती एक भर्ती में, लेकिन हाँ पिछली वैकेंसी की बढ़ाई हमेशा उससे बड़ी वैकेंसी रही है SSC GD की, और इस बार भी आपको उससे बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको निश्चिंत होकर तैयारी करना है, फॉरम डेट या नोटिफिकेशन के चक्कर में जो ये वीडियो बना रहे हैं ना, इस प्रकार से अप्लाई करें, इस प्रकार से अप्लाई करें, वो पूरा फेक है दोस्तों। आपको मित्र सेंटर से या जो साइबर कैफे होते हैं या रोजगार सेंटर होते हैं वहाँ से फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन अभी आप सभी को पता है कि वो सब बंद है। मोबाइल से भी फॉर्म भरने की आपको सुविधा दी जा सकती है और भरे भी जा रहे हैं आजकल, मोबाइल से हर कोई फॉर्म भर लेता है, अपना फॉर्म अप्लाई आप भी कर सकते हो, लेकिन अभी हो सकता है कि मई के महीने में 2-4 दिन डिले भी हो जाए नोटिफिकेशन और फॉर्म भी मई के महीने में ना भरे जाए, तो उससे चिंतित ना हो। भरे जाते हैं अच्छी बात है, अगर किसी भी कारण गवर्नमेंट ये एक्शन लेती है कि नहीं भर्ती प्रक्रिया ना रोके तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी हो तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम जब जो डेट दी गई है अगस्त का महीना, तब तक देश में कोरोना की जो स्थिति है पूरी काबू में रहेगी, तो हो सकता है कि अगस्त में आपके एग्ज़ाम हो, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं मानना है। नोटिफिकेशन पोस्टपोन मान सकते हो 2-4 दिन 10 दिन, लेकिन एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं मानना है। एग्ज़ाम को पोस्टपोन मान के कभी तैयारी नहीं करनी है, आपको ये मान के चलना है कि आपके अगस्त के महीने में एग्ज़ाम है। दूसरा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके पास में सफिशियंट बुक होनी चाहिए SSC GD से रिलेटेड। बुक के ऊपर मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए, और कहाँ से बुक प्रोवाइड होगी उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है बहुत जगह तो आपको बुक नहीं मिल रही होगी, लेकिन कुरियर सेवा बहुत सारी जगह चल रही है, तो उन कुरियर्स के माध्यम से आप बुक भी परचेज कर सकते हो दोस्तों, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसलिए विशेष इस बात का ध्यान रखें कि अभी जितने भी वीडियो आ रहे हैं आप सभी को बताइए, जो डेटे दे रहे हैं या जो बता रहे हैं ना एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए, ये वही लोग हैं जो SSC GD की नोटिफिकेशन दिखा रहे थे 25 मार्च को अपने खुद के मन से बना के टाइप करके, तो उनकी बातों पर विश्वास ना करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर आएगी, फॉर्म भरने इस बार हो सकता है डिले होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो डिले होगा फॉर्म में, इसमें कोई संदेह नहीं कि जून के माह में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर मई में नोटिफिकेशन भी आती है तो भी फॉर्म भरने की डेट आगे दी जाएगी और जून का पूरा महीना आपको 100% फॉर्म भरने के लिए मिलेगा दोस्तों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और तैयारी अपनी जोरों शोरों से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।